सहजन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन डेवलपमेंट की ओर से 18वें हस्तकला महोत्सव का आयोजन किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी बड़ौदा की कला प्रेमी जनता के लिए सहज हस्तकला महोत्सव लेकर आया है। दाहोद की आदिवासी महिलाओं के हाथों से तैयार की गई चीज़ों को इस एग्जीबिशन में रखा गया है। 28 सालों से दाहोद जिले की आदिवासी महिलाएं इस हस्तकला में कार्यरत है। इस महोत्सव के दीपोत्सव कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के मुंबई से जनरल काउंसलर टोनी हुबर और डेप्यूटी काउंसलर जनरल जॉन लवजॉय खास उपस्थित रहे थे। 25 से 27 अक्टूबर तक स्प्लेटर स्टूडियो हवेली के पास प्रोडक्टिविटी रोड पर बड़ौदा के नगरजन इस हस्तकला एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर काम है, जो हाथ का काम है, जो बीड वर्क है, दाहोद की जो लेडीज़ कर रही हैं, एक्चुअली कई सदियों से चलता आ रहा है हमारे गुजरात में ये काम, बट कई सालों से गायब होता दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इनमें वापस एक रंग सुर्ख भर के आ रहा है और ये काम दिखने को आ रहा है इतना खूबसूरती से। और मैं यही चाहती हूँ कि ये एग्जीबिशन अच्छा करे और साल भर साल इनका काम बढ़ता रहे। जो काम जैसे सहज कर रहा है, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, जो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा है सहज, जो आज की ज़रूरतों से एकदम मेल खाता है, जो हमारे लाइफस्टाइल में आज यूज़फुल है, वो उस हिसाब से अगर प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ तो मुझे लगता है बहुत पॉपुलर होंगे। और सहज और खूब NGOs हमारे गुजरात में ऐसा कर रहे हैं। ये महिलाओं को आमतौर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसके लिए क्या? तो मिलना ही चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि महिलाओं को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि घर उनसे चलता है। और अगर स्वाभिमान से अगर औरत जी सकती है तो यही आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप दूसरे अपने बच्चे देख के यही सीखेंगे। आत्मनिर्भरता तो बहुत ज़रूरी है कि औरतों को सम्मान दिया जाए। हूँ तो छेल्ला 25 वर्षथी बहनों साथे संकळायेली छूँ अने मारी जिंदगीनो एम ज छे के महिलाओं ने कई रीते फाइनेंशियली इंडिपेन्डेंट करवी अने एना माटेनुं आ सौथी पहेलुं पगलुं के एमने कमाती कई रीते करवी। एटले एक वारे जो कमाती थाय तो पछी बाकीनुं बधुं एम्पावरमेंट तो पोते ज आवे। एना माटેનું આયોજન છે કે સતત અમે એમની સાથે તાલીમ સાથે જોડાયેલા છે। ખાલી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ નહીં પણ સ્કિલ અપગ્રેડેશન, જેવી બજારમાં પ્રોડક્ટ બદલાય, ફેશન બદલાય, માર્કેટ બદલાય, એની સાથે સાથે જ અમારી બહેનો પણ એકદમ અપ ટુ ધ માર્ક હોય, એમને બધી ફેશન ખબર હોય, એમને કયો કલર ટ્રેન્ડમાં છે, કઈ ડિઝાઇન ટ્રેન્ડમાં છે, કુર્તો અત્યારે લાંબો ચાલે છે કે ટૂંકો ચાલે છે, ફ્લેરવાળો ચાલે છે કે સાંકડો ચાલે છે, એ બધી એમને ખબર હોય છે। એ લોકો બીડવર્ક અને એમ્બ્રોઇડરી બંને એમને બહુ સરસ આવડે છે। એ આપીશ કે બધા લોકો આ વસ્તુઓને ખરીદે, કેમ કે એનાથી કેટલા બધા લોકોના ઘર ચાલી રહ્યા છે। અને મારી બહેનો આ વસ્તુ માટે એવું નથી કહેતી કે ગરીબે બનાવી છે માટે ખરીદો, પણ અમે સરસ બનાવ્યું છે માટે ખરીદો। The Australian government has provided 9.8 lakh rupees to support Sahej, help these women learn how to make the products, support them with materials for these products, and understand the business processes behind selling these products and commercializing it. This provides them with a sustainable source of income and helps them provide better support to their communities, establishing businesses, providing health and hygiene and knowledge to the communities, and of course empowers them economically within their families, within their communities, and as individuals. So why you choose Sahej? So we chose Sahej because we're impressed with their focus on quality and the focus on sustainable development. So they aren't just a one-hit project. They ensure that these women develop skills that help them throughout their lives. We saw today that there were third-generation women who have been supported by Sahej to develop business skills, commercialise products, and make their handicrafts viable for sale across India.